तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मुझे एक ऐसा लगता है कि बहुत तो कोई स्विच चैनल होता क्या है, उसका नाम भी पहली बार सुनेंगे। जब भी एवरग्रीन चिप स्टक हुआ था उसी घटना के बाद तो बहुत लोगों को मालूम हुआ कि स्विच चैनल भी कुछ एग्जिस्ट करता है। क्यों मतलब मुझे भी मालूम नहीं था कि स्विच चैनल होता क्या है, मतलब कैनलों में भी मालूम था लेकिन स्विच चैनल कुछ नाम सब वो शिप स्टक होने के बाद ही मुझे मालूम पड़ा है। तो आपको भी ऐसे होगा, मतलब सब कुछ जानकारी तो किसको नहीं होता, कुछ ऐसे घटना होते हैं तभी कुछ हमको मालूम होता है। सबसे पहले इस वीडियो को मैं 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। सबसे पहले स्विच चैनल क्या है और वो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा। सेकेंड, जो एयरग्रीन शिप स्टक हुआ है वो उसका ओनर कौन है और उसको उसके बारे में वो शिप के बारे में बताऊँगा। फिर थर्ड पॉइंट में ये है कि वो शिप एग्जैक्टली कैसे स्टक हुआ स्विच चैनल में, वो थर्ड में बताऊँगा। और फोर्थ में ये सब घटना होने के बाद इजिप्टियन गवर्नमेंट और शिप को फ्री करने के लिए क्या चार्जेस मांग रहे हैं। तो ये चारों टॉपिक्स मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको स्विच कैनल के बारे में बताऊँ तो स्विच कैनल एक कैनल है बिटवीन टू ओशंस, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। तो सी है, सॉरी ओशन है, सी है, मेडिटेरेनियन रेड सी एंड एक कैनल है इन बिटवीन। सो एक जो कैनल है वो अफ्रीका एंड एशिया के मिडल एक 183 किलोमीटर लॉन्ग का एक कैनल है, वाटर पैसेज जो मेडिटेरेनियन रेड सी के से बोट्स को ऐसे ट्रांसफर करता है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करेगा, छोटा मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ समझो, कैनल इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू सीज। सो एक इसको स्विच कैनल बोलते हैं। तो ये स्विच कैनल का टोटल लेंथ है 193 किलोमीटर्स, तो इसका टोटल लेंथ 193 किलोमीटर्स है। तो ये रहा स्विच कैनल के बारे में कुछ छोटा, ये इजिप्टियन गवर्नमेंट के को बिलोंग करता है। तो ये रहा छोटा सा स्विच कैनल के बारे में थोड़ा डिटेल्स। तो सेकेंड पॉइंट है कि वो जो एवरग्रीन शिप था वो उसका ओनर कौन सा गवर्नमेंट है, मतलब कौन सा कंट्री का है एवरग्रीन शिप। एवरग्रीन शिप एक्चुअली एक जापानीज कंपनी है, जो ग्रुप ऑफ एक ट्रस्ट है वो ओन करता है एवरग्रीन शिप को। और जो एवरग्रीन शिप में जब वो स्ट्रक हुआ था उसके अंदर 25 इंडियन क्रूज थे। तो बहुत लोग मतलब कन्फ्यूज होता है कि अगर इसके अंदर इंडियन क्रूज है तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट का हो गया एवरग्रीन शिप, नहीं है कि वो एक जापानीज कंपनी का एक एवरग्रीन शिप है। ये रहा ओनर का डिटेल्स जो शिप का था। फिर थर्ड पॉइंट है वो एवरग्रीन शिप कैसे उस ट्रेड सेंटर, मतलब जो कैनल है स्विच कैनल, उसके अंदर शिप कैसे स्ट्रक हुआ। क्यों मतलब बहुत सारे शिप्स पास करते हैं, सिर्फ यही क्यों स्ट्रक हुआ, उससे बड़े बड़े बोट्स भी पास होते हैं स्विच कैनल से लेकिन यही क्यों स्ट्रक हुआ। तो मैं आपको बता दूँ कि स्विच कैनल जो एयरग्रीन शिप जा रहा था उसका लेंथ टोटल 200 मीटर्स उसका लेंथ है वो शिप एयरग्रीन शिप का। तो जब वो जा रहा था स्विच कैनल में तो क्या हुआ कि सडन सुबह सुबह में सडन कुछ विंड्स आए स्ट्रॉन्ग 55-56 किलोमीटर पर आवर का विंड्स आए, तो उसके वजह से वो थोड़ा डिवेट हुआ वाटर पासेज से और स्टक हुआ ऐसा, और कर में से स्टक हुआ ब्लॉकिंग द स्विच कैनल। तो जब ये स्टक हुआ तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हिल रहा था, ऑब्वियसली ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया था। उसको निकालने के लिए इजिप्टियन गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स ले, जैसे कि जो शिप अगर शिप है तो नीचे का जो सैंड है उसको सैंड को क्लियर किए। फिर बाद में जो उसका शिप का एयरग्रीन शिप का वेट रिड्यूस करने के लिए भी थोड़े कार्गो निकाला गया था दोनों तरफ से, जो से कैनल एक कैनल है तो दोनों तरफ से सैंड भी निकाला गया था शिप के बीच से। तो इसके लिए इजिप्टियन गवर्नमेंट को बहुत ही लाइक 6-7 डेज उसका टाइम लिए ये शिप को फ्री करने के लिए, और कॉस्ट भी ज़्यादा हुआ। तो ये सब इजिप्टियन गवर्नमेंट वो शिप को फ्री करने के लिए किए समथिंग 6-7 डेज के बाद। तो बात आता है कि ये जो अब फ्री हुआ है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये फ्री हुआ है, तो जब ये फ्री हुआ था तो अब ये शिप जापानीज गवर्नमेंट को जाता है या नहीं, अगर जाता है तो क्या क्या कंपनसेशन पे करना पड़ता है इजिप्टियन गवर्नमेंट को। तो रिसेंटली एक न्यूज़ लीक हुआ है कि जो भी खर्चा हुआ, जैसे कि बिनीत अमेरिकन शिप का सैंड निकालने का, कार्गो निकालने का, फिर बाद में वो ट्रेड वर्ल्ड बिजिएस्ट ट्रेड सेंटर है स्विस कैनल, वो शिप ब्लॉक करने से 7 डेज ब्लॉक करने की वजह से बहुत सारे लॉस हुआ है दोनों, वो जो इजिप्टियन गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा है। तो वो कंपनसेशन तो कैसे पे करना ही पड़ेगा। तो इसके वजह से इजिप्टियन गवर्नमेंट बोला है कि उनको समथिंग $1 बिलियन कंपनसेशन चाहिए वो सब 7 डेज का रिकवरी जो प्रोसेस किया शिप को फ्री करने के लिए, उतना सब अब जापानीज गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता दूँ $1 बिलियन इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, तो समथिंग 6
7800 क्रोर्स होता है, तो इतना सारा कंपनसेशन अभी जेटन गवर्नमेंट जापानीज गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा वो शिप को फ्री करने के लिए जो जब वो काम किया था मतलब। तो ये रहा पूरा इस वीडियो पर स्विच कैनल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।